गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर थर्ड एट स्कूल फ्रॉम ओपन स्काइज क्लास फोर्थ. ओके, सो एट स्कूल मीन्स स्कूल की बातें, ठीक है. बट यहाँ पे थोड़ा मैटर दूसरा है. यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है. वो जानना चाहता है एंजल्स के बारे में. एंजल्स यानी परियां, गॉड की बनाई हुई चीज़ें, ठीक है. एंजल्स आर इमेजनरी फिगर फाउंड इन रिलीजियस बुक्स. आपको पता है कि रिलीजियस बुक्स में, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, किताबें होती हैं, उसमें जो है उनकी कल्पना की एक फिगर्स बनाई जाती है ना. यानी एंजल्स होती हैं, परियां आती हैं, फिर वो कुछ गिफ्ट देती हैं और कैसे मैजिक स्टिक अपना घुमाती हैं, इस टाइप से आपने सुना ही होगा, है ना. यू आल्सो फाइंड एंजल्स इन फेयरी टेल्स. और आपने परियों की कहानियों में भी एंजल्स के बारे में सुना होगा. द वर्ड एंजल कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एगलेस विच मीन्स मैसेंजर, एजल, एजलॉस. ओके, तो आपने ग्रीक वर्ड में ये वर्ड्स हैं एजलॉस, जिससे ली गई है एंजल, वर्ड निकल के आया है. और इसका मीन्स होता है मैसेंजर, यानी संदेश वाहक, ठीक है. एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड. वो गॉड की क्या होती हैं, संदेश वाहक होती हैं, यानी जो संदेश मैसेजेस ले आते हैं ना, वो जो है गॉड की मैसेंजर होती हैं. दे आर अ काइंड ऑफ स्पिरिट दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड. और ये एक तरीके की उनके अंदर जो है ईश्वर ने शक्ति दी होती है, ठीक है, उनके अंदर एक क्रिएशन करने की शक्ति होती है. दे आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स बियॉन्ड द वर्ल्ड दिस वर्ल्ड. और वो बहुत खूबसूरत होती हैं, जो इस संसार में ऐसा कोई नहीं होता, सबसे खूबसूरत होती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. ओके, मदर सेड द चाइल्ड, आर देयर रियली एंजल्स. मदर से बच्चा छोटा कहता है कि क्या सच में परियां होती हैं मम्मी. देन द बुक सेज सो, सेड द मदर. माँ ने बोला बच्चे से कि हाँ, बुक कहानियां तो ऐसे ही होती हैं बुक्स में ना, बुक कहता है ऐसा. यस, सेड द चाइल्ड, आई हैव सीन द पिक्चर्स बट यू एवर सी वन मदर. तो वो बोलता है हाँ, मैंने देखा है मम्मा, लेकिन पिक्चर्स में मैंने देखा है, लेकिन क्या सच में आपने देखा है, ठीक है. आई थिंक आई हैव सेड द मदर बट सी वॉज नॉट ड्रेस्ड लाइक द पिक्चर. तो उन्होंने बोला कि आई थिंक आई हैव, उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, बट सी वॉज़ नॉट ड्रेस्ड लाइक द पिक्चर. लेकिन हाँ, वो जैसे पिक्चर्स में दिखाता है ना कि वाइट कलर का ड्रेस पहन के एंजल्स आती हैं ना, जस्ट लाइक, तो मैंने ऐसा मतलब नहीं देखा है कि वो उस तरीके का ड्रेसअप करके वो आती हैं, ठीक है. आई एम गोइंग टू फाइंड वन, सेड द चाइल्ड, आई एम गोइंग टू रन अलॉन्ग द रोड माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स अनटिल आई फाइंड एन एंजल. तो उसने कहा कि मैं ज़रूर से एक एंजल जो है पा लिया है, ठीक है, मैं पाने जा रहा हूँ. जैसे बोलता है बच्चा एक्साइटमेंट में, और मैं दूर मीलों जाऊँगा, रोड पे चलूँगा, और कभी ना कभी तो मुझे एक ज़रूर से एंजल दिखेगी ऐसी. दैट विल बी अ गुड प्लान, सेड द मदर, एंड आई विल गो विथ यू फॉर यू आर टू लिटिल टू रन फॉर अलोन. तो उसने कहा, माँ ने उनकी कहा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा, बहुत अच्छा प्लान रहेगा कि दूर दूर जाओगे और तुमको एंजल्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, अभी दूर तक तुम अकेले नहीं जा पाओगे. आई एम टू लिटिल एनी मोर, सेड द, आई एम नॉट लिटिल एनी मोर, सेड द चाइल्ड, आई हैव बिकम बिग. तो उसने कहा कि नहीं, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ माँ कि मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ. सो यू आर, सेड द मदर, अच्छा तुम बड़े हो चुके हो. आई फॉरगेट, आई फॉरगॉट, मैं तो भूल गई थी, बट इट इज़ फाइन डे एंड आई शुड लाइक टू वॉक. ठीक है, अच्छा तुम बड़े हो गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा दिन है, तो मैं तुम्हारे साथ टहलने चलूँगी. ओके, सो बट यू वॉक स्लोवली. लेकिन बच्चे ने कहा कि आप तो बहुत धीरे चलती हैं,
आई कैन वॉक फास्टर देन यू थिंक, सेड द मदर. तो मदर ने कहा कि क्या तुम ये सोच सकते हो कि देन यू थिंक कि मैं तुमसे तेज जो है चल सकती हूँ. सो दे स्टार्टेड, द चाइल्ड लीपिंग एंड रनिंग एंड द मदर मार्चिंग ब्रेवली इन क्विक स्टेप्स. उसके बाद दोनों बच्चे और माँ जो है तेजी तेजी मतलब बड़े बड़े कदमों से चलना बहुत ही बहादुरी के साथ मार्च पास करना शुरू कर देते हैं. द चाइल्ड डांस्ड ऑन अहेड एंड प्रेजेंटली ही सा अ चैरियट ऑन टूवर्ड्स हिम ड्रॉन बाई ब्यूटिफुल वाइट हॉर्सेस. फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा आगे थोड़ा बढ़ता है तो उसने देखा कि एक रथ आ रही है और उसमें एक लेडी बैठी हुई है, बहुत ही ब्यूटिफुल हॉर्स के साथ जो है वो रथ चला आ रहा है, वाइट कलर का हॉर्स है. इन द चैरियट सेट अ स्प्लेंडेड लेडी इन वेलवेट एंड फर्स विथ वाइट प्लम्स वीविंग अबव हर डार्क हेयर. और उसने देखा कि उस रथ में जो है एक सुंदर सी लेडी एक बैठी हुई है और जो उसने जो है वेलवेट के कपड़े फर्स यानी पंख वाले सब पहने हुए हैं और वाइट कलर की प्लम्स हैं उनकी. और जैसे कि लग रहा है इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि पंख निकले हुए हैं और डार्क कलर का उनका हेयर है. एज शी मूव्ड इन हर सीट सी फ्लैश्ड विद जेल्स एंड गोल्ड बट हर आइज़ वर ब्राइटर देन हर डायमंड. और जैसे ही मैंने देखा कि थोड़ा सा सीट से वो उठती है तो दिखा मुझे ज्वेलरी वगैरह भी उसने पहने हैं गोल्ड के और ज्वेल्स दिख रहे हैं और लेकिन उसकी आइज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे डायमंड से कंपेयर किया उसने कि डायमंड से भी ज़्यादा चमक रही थी. आर यू एन एंजल आस्क्ड द चाइल्ड रनिंग अप बिसाइड द चैरियट. वो जाता है उस रथ के पास और उससे उस लेडी से पूछता है कि क्या तुम एंजल हो. The lady made no reply but started coldly at the child. Then she spoke a word to the coachman and he flicked his whip and the chariot rolled away swiftly in a cloud of dust and disappeared. फिर जाके वो जब पूछता है उससे तो लेडी कोई रिप्लाई ही नहीं करती है, उसको ध्यान से घूरने लगती है उस बच्चे को. तो वो बच्चे से जो बच्चा तो कुछ नहीं उससे कुछ रिप्लाई नहीं करती है लेकिन जो है रथ वाला जो रथ चलाता है उससे वो लेडी बोलती है कि जल्दी से आगे बढ़ाओ रथ को, यानी कोई डिस्टर्ब उसको ना करे. और देखते ही देखते वो जो है ठंड का दिन है तो वो आगे बढ़ जाता है, रथ जो है डिसअपियर हो जाता है यानी गायब हो जाता है जल्दी जल्दी. ठीक है. द डस्ट फील द चाइल्ड आइज एंड माउथ एंड मेड हिम चोक एंड स्नीज. और जैसे जब रथ आगे बढ़ता है तो कुछ धूल उड़ता है ना, तो ऐसे ही धूल वगैरह जो है उसकी नाक वाक में मुंह में सब में भर गया और वो छींकने लगा. ही गैप्स्ड हर फॉर ब्रेथ एंड रब्ड हिज आइज बट प्रेजेंटली हिज माउथ केम अप हिज मदर केम अप एंड वाइप्ड अवे द डस्ट विथ हर ब्लू जिनजेम एप्रॉन. और उसके बाद जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी. जब डस्ट आपके मुंह में है और नोज में सब जगह जाएगा तो आप जाहिर सी बात है छींकोगे और प्रॉब्लम होगी. वो अपनी आईज़ को जो है रब करने लगा ना, रगड़ने लगा और उसकी मदर तुरंत आती हैं और अपने जो एप्रन उन्होंने पहनी हुई है ब्लू कलर की उससे उसके पूरे फेस को साफ करती हैं. That was not an angel, said the child. ये angel नहीं थी. No indeed, said the mother. Nothing like one. नहीं नहीं ये तो नहीं थी, ऐसी होती ही नहीं है angels. The child danced on again, leaping and running from side to side the road and the mother followed as best as she could. उसके बाद बच्चा जो है आगे बढ़ता है फिर नाचते हुए, जैसे बच्चे चलते नहीं हैं झूमते नाचते हुए वो रोड पे फिर से अगेन चलने लगता है. और उसके बाद उसकी मम्मी जो है जितना उसके साथ चल सकती हैं दौड़ के वो उसके साथ जो है चलती हैं. बाई एंड बाई चाइल्ड मेट द मोस्ट ब्यूटीफुल मैडन क्लैड इन अ वाइट ड्रेस. हर आइज वर ब्लू स्टेयर्स एंड द ब्लशेस केम एंड वेंट इन हर फेस लाइक रोजेस लुकिंग थ्रू अ स्नो. उसके बाद जो है धीरे धीरे जब चलता है तो उसको अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी दिखती हैं जो वाइट कलर की ड्रेस पहने हुई हैं और वो भी जो है ब्लू स्टेयर्स पे, उनकी आइज जो है ब्लू कलर की है, स्टार्स की तरह चमक रही है, ब्लशेस कर रही हैं उसके फेस, रोज़ की तरह एकदम दिख रहा है फेस ना. तो वो देखता है उसको. आई एम श्योर यू मस्ट बी एन एंजल, क्राइड द चाइल्ड. और चिल्ला के बोलता है बच्चा कि जरूर ही तुम ही एक एंजल हो. द मैडन ब्लश्ड मोर स्वीटली देन बिफोर. वो थोड़ा ब्लश करने लगती है, शर्मा जाती है, खुश हो जाती है. यू डियर लिटिल चिल्ड्रन, बोलती है तुम छोटे बच्चे. शी क्राइड सम वन इल सेड दैट वनली लास्ट इवनिंग डू आई रियली लुक लाइक एन एंजल. और उसके बाद जो है
बोलती है कि लास्ट इवनिंग मैंने भी एक क्या तुमने डू आई रियली लुक लाइक एन एंजल। फिर वो तुरंत बोलती है बच्चे से कि अच्छा शाम को भी समवन एल्स सेड, किसी ने भी मुझसे कहा था अभी पिछले लास्ट इवनिंग में, तो क्या मैं एंजल की तरह दिखती हूँ। तो उस बच्चा बोलता है यू आर एन एंजल, सेड द चाइल्ड। चाइल्ड ने बोला हाँ तुम एंजल हो ना। द मैडम टुक हिम अप इन हर आर्म्स एंड किस्ड हिम एंड हेल्ड हिम टेंडरली। अब बच्चे को जो है तुरंत वो पकड़ लेती है अपनी आर्म्स में, बाहों में लेके किस करती है उसको, और बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ यू आर द डियरेस्ट लिटिल थिंग आई एवर सा। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो जो मैंने पहली बार ऐसा बच्चा देखा है, टेल मी व्हाट मेक्स यू थिंक सो। बट सडनली हर फेस चेंज, और अच्छा बताओ कि तुम ऐसा क्या देखा तुमने कि जो तुमको लगा कि मैं एंजल हूँ। और फिर अचानक से उसके फेस का जो एक सडन एक भाव था वो अचानक से क्या होता है, अचानक से उसके फेस का जो है भाव चेंज हो जाता है, ठीक है। और ओ सी क्राइड देयर इज कमिंग टू मीट मी, ही इज़ कमिंग टू मीट मी एंड यू हैव स्पॉइल्ड माई वाइट ड्रेस एंड योर डस्टी शूज एंड पुल माई हेयर ऑल आवरी, रन अवे चाइल्ड एंड गो होम टू योर मदर। उसके बाद अचानक से वो चिल्लाती है, बोलती है ओ मुझसे कोई मिलने, वो मुझसे मिलने आ रहा है और तुमने मेरे सारे वाइट ड्रेस को ख़राब कर दिया अपने डस्टी अपने गंदे शूज से, मेरे बाल पूरे खुल गए हैं, चारों तरफ बिखर गए हैं, और रन अवे चाइल्ड एंड गो होम टू योर मदर। और तुम यहाँ से जाओ तुरंत अपनी माँ के पास। सी सेट द चाइल्ड डाउन नॉट अनकाइंडली बट सो हैस्टली दैट ही स्टैम्बल्ड एंड फेल, बट शी डिडंट सी दैट फॉर शी वॉज हैस्टनिंग फॉरवर्ड टू मीट हर लवर सो हु वॉज कमिंग अलॉन्ग द रोड। उसके बाद तुरंत वो बच्चे को नीचे उतारती है, बहुत ही निर्दयता से नहीं लेकिन बहुत जल्दी से उसको नीचे बिठा देती है, और उसके बाद जो है उसको एक बार भी देखती नहीं है और वो आगे देखने लगती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड जो है, उसका लवर जो है वो सामने से रोड से चला आ रहा है। तो उसका ध्यान उसके ऊपर चला गया, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। ओके सो सी सेड ओके द चाइल्ड ले इन द डस्टी रोड एंड स्टॉप्ड टिल हिज मदर केम अलोंग एंड पिक्ड हिम अप एंड वाइप्ड अवे द टीयर्स विथ हर ब्लू जिंगम एप्रॉन। ओके फिर उसके बाद वो रोता हुआ बेचारा उस गंदी सी सड़क पे, धूल वाली सड़क पे रो रहा है, उसकी मम्मी जल्दी से आती हैं, उसको उठाती हैं और उसके टीयर्स को फिर से अपने एप्रन से, ब्लू कलर के एप्रन से पोंछती हैं। आई डोंट बिलीव दैट वॉज एन एंजल आफ्टर ऑल ही सेड, उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसी एंजल्स होती हैं। नो सेड द मदर बट शी मे वन डे सी इज़ यंग येट। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं ये तो नहीं है लेकिन एक दिन ज़रूर तुमको वो मिलेंगी, और वो बहुत ही सी इज़ यंग येट, और फिर भी वो बहुत यंग है। आई एम टायर्ड सेड द चाइल्ड, विल यू कैरी मी होम मदर। तो तुरंत बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ मम्मी, मुझे प्लीज़ घर ले चलोगी। वाई येस सेड द मदर दैट इज़ वॉट आई केम फॉर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, बिल्कुल मैं तुमको लेके चलूँगी घर पे। द चाइल्ड पुट हिज आर्म्स राउंड हिज मदर एंड मदर्स नेक एंड शी हेल्ड हिम टाइट एंड ट्रक्ड अलॉन्ग द रोड सिंगिंग द सॉन्ग ही लाइक बेस्ट। उसके बाद वो अपनी माँ की बाहों में आ जाता है, ठीक है, गले मिलता है उनसे, टाइट हग लेता है, उसके बाद रोड पे फिर गाता जो उसका बेस्ट सॉन्ग है गाता हुआ वो निकल जाता है। सडनली ही लुक्ड अप इन हर फेस, अचानक से वो जो है फेस देखता है। मदर ही सेड आई डोंट सपोज यू कुड बी एन एंजल, कुड यू, मैं ऐसा सपोज तो नहीं कर रहा हूँ, कर पाता हूँ, लेकिन क्या आप एंजल तो नहीं हो। ओ व्हाट अ फुलिश चाइल्ड सेड द मदर, अरे क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो बच्चे। हु एवर हर्ड ऑफ एन एंजल इज़ अ ब्लू जिंगम एप्रन, क्या तुमने कभी सुना है कि ब्लू एप्रन में कोई माँ कोई एंजल होती है ब्लू कलर के कपड़े में। एंड शी वेंट ऑन सिंगिंग एंड स्टेप्ड आउट सो ब्रेवली ऑन हर लैम्प फुट दैट नो वन वुड एवर हैव नोन। उसके बाद जो है वो फिर से अच्छा बातों को मम्मी के अपने सोचना छोड़ देता है और फिर गाते हुए गाना फिर से अपने स्टेप्ड बहुत ही थोड़े से, जैसे होता नहीं जब आप थोड़ा सा झूम के चलते हो तो लैम्प फुट होता है, एक पैर लंगड़ा के चलना, उसते हुए झूमते हुए वो अपना चला जाता है। नो वन वुड एवर हैव नोन शी वॉज लैम्प, और किसी को सो ब्रेवली ऑन हर लैम्प फुट दैट नो वन
ओह वेट अ मिनट वेट अ मिनट एंड शी वेंट ऑन सिंगिंग एंड स्टेप्ड आउट। फिर वो मम्मी जब बोलने के बाद जो है वो भी गाना गाते हुए अपने बहुत बहादुरी के साथ अपने लंगड़े फुट से, यानी उनके उसके जो चाइल्ड था उसके बच्चे की जो माँ थी सॉरी जो चाइल्ड था उसकी मम्मी जो थी वो उनके पैर जो है उनके ख़राब हो गए थे, यानी टूटे हुए पैर थे उनके ना, तो वो उस अपने बहादुरी के साथ पैरों से चलते हुए गाना गाते हुए चल रही थी और कोई भी नहीं जान पाया था कि ये जो है पैर से उनको प्रॉब्लम है। ओके सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी टेल मी, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी। बाय बाय।